नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश, दैट इज फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है ईपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक से थर्ड लेसन, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसे लिखा है आर के लक्ष्मण ने। ईश्वरन एक नौकर है जो अपने मालिक को फिक्शियस कहानियाँ सुनाया करता है, लेकिन एक बार कुछ ऐसा होता है कि उसकी फिक्शियस कहानी सच हो जाती है। तो आइए लेसन पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसकी कौन सी कहानी सच हो जाती है। इस कहानी में कुल तीन पात्र हैं, जिसमें एक गणेश नाम का व्यक्ति जिसे कहानी सुना रहा है महेंद्र, जिसके साथ सारी घटना घटी थी और महेंद्र को फिक्शियस कहानी सुनाई थी ईश्वरन ने। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई यंग मैन महेंद्र बाई नेम। महेंद्र नाम से एक नवयुवक के द्वारा कहानी गणेश को सुनाई गई। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। वह एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर के पद पर था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो फर्म विभिन्न प्रकार के किराए पर सुपरवाइजर्स को निर्माण स्थलों पर भेजा करती थी, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, जैसे फैक्ट्री, पुल, बांध आदि जगहों पर सुपरवाइजर्स को भेजा जाता था। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम निर्माण स्थलों पर क्रियाकलाप पर नज़र रखने का था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। उसे प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके प्रधान कार्यालय का आदेश होता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कोयले की खदान के क्षेत्र से लेकर रेलवे पुल निर्माण तक। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट। वहाँ से कुछ महीनों के बाद केमिकल प्लांट तक। विच वॉज कमिंग अप समवेयर। जो कहीं से आ रहा था। ही वॉज ए बैचलर। वह कुंवारा था। हीज नीड्स वर सिंपल। उसकी ज़रूरतें साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओल्ड कंडीशंस। और वह अपने को सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी ढाल लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, भले ही वह सुविधा रहित सर्किट हाउस हो, और ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या फिर हो पत्थर की खान के बीच में कैनवस यानी किरमिज का अस्थायी तंबू। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसका रसोईया ईश्वरन उसकी धरोहर के समान था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र। वह रसोईया महेंद्र से बहुत जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली। और उसके पीछे बिना किसी शिकायत के चला जाता था। वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। जहाँ कहीं महेंद्र की नियुक्ति हो जाती थी। ही कुक्ड फॉर महेंद्र। वह महेंद्र के लिए खाना पकाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। और रात को अपने मालिक से बात करता था। ही कुड वेब आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। वह भांति भांति के विषयों पर अनंत किस्से कहानियाँ बुन सकता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी। ईश्वरन में एक आश्चर्यजनक क्षमता भी थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इन्ग्रीडियंट्स, कि वह सब्जियां उगा सकता था और खाने पकाने की चीज़ें भी उगा सकता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं कहां कहां से वह सब उगा लेता था। इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, वो भी निर्जन भूमि के बीचों बीच में। विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। जहां मीलों तक कोई दुकान तक ना दिखाई देती थी। ही वुड मिरेकुलसली कंज्योर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस। वह चमत्कारिक जादुई तरीके से सबसे स्वादिष्ट भोजन बना लेता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, वो भी ताज़ी सब्जियों के साथ। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग, आने के एक घंटे में ही। एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, किसी नए स्थान पर टिन की चादरों से बने आश्रय में आने के बाद एक घंटे में ही वह ताज़ी सब्जियों से भोजन बना लेता था। वह चमत्कारिक जादुई तरीके से सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाया करता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद अपने काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। वह अपने साथ कुछ खाना भी अपने लंच के लिए ले जाता था। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। और इस बीच
ईश्वरन टिन सेट की सफाई करता था, वॉश द क्लॉथ्स कपड़े धोता था एंड हैव ए लेजरली बाथ और फुर्सत से नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर पर पानी की कई सारी बाल्टियां उड़ेलता था। म्यूटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और इस दौरान वह पूरे समय भर प्रार्थना को बड़बड़ाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग अप, सोने से पहले वह कुछ देर तक पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, उसकी वह किताब करीब 100 पेज की लोकप्रिय तमिल की रोमांचक किताब हुआ करती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इसका कल्पनाशील वर्णन एंड नरेटिव फ्लोरिसिस और वर्णात्मक किस्से वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, ईश्वरन को रोमांचित कर देते थे। हीज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, उसके अपने वर्णन उन तमिल लेखकों द्वारा बहुत ही प्रभावित होते थे। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वह किसी छोटी छोटी घटना का भी वर्णन करता था, he would try to work in suspense and surprise adding into the account, तो वह असमंजस और आश्चर्य से विवरण का अंत करने का प्रयत्न करता था। For example, उदाहरण के लिए, instead of saying, ऐसा कुछ कहने के बजाय, that he had come across an uprooted tree on the highway, कि रास्ते में सड़क पर उसको उखड़ा हुआ पेड़ मिला, he would say, वह कहा करता था, with eyebrows suitably arched, अपनी भौहों को उपयुक्त रूप से गोल गोल करते हुए, and hands held out in dramatic gesture, और अपने हाथों को नाटकीय अंदाज में उठाते हुए कहता था, the road was deserted, सड़क सुनसान थी, and I was all alone, और मैं बिल्कुल अकेला था। Suddenly I spotted something, अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया, That looked like an enormous bushy beast, जो विशालकाय घने बालों वाला कोई जंगली जानवर दिखाई दिया। Lying sprawled across the road, जो सड़क पर पैर फैलाए पड़ा था। I was half inclined to turn and go back, मैं मुड़कर वापस आने को तैयार ही था, but as I came closer, लेकिन जैसे ही मैं उसके और करीब पहुंचा, I saw, तो मैंने देखा, that it was a fallen tree, ये एक गिरा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है। With its dry branches spread out, और उसकी सूखी शाखाएं फैली पड़ी हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र अपनी कैनवस की कुर्सी में अंगड़ाई लेता था, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना किसी आलोचना के ईश्वर की कहानियां सुनता रहता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू किया करता था। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुमूल्य लकड़ी के वन हैं। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, लट्ठों को हाथियों के द्वारा ट्रकों पर लादा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वे विशाल हष्ट पुष्ट जानवर होते हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड, जब वे जंगली या गुस्सैल हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड माउथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, फिर तो सबसे अनुभवी महावत भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस भूमिका के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलिबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, ईश्वरन हाथी के बारे में विस्तृत किस्से शुरू कर देता था। वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से बचकर भाग निकला। टस्कर का मतलब हाथी होता है, क्योंकि हाथी के दांतों को टस्क कहा जाता है। एंड बिगिन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को रौंदने लगा। टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और मनचाहे तरीके से पेड़ों की शाखाओं को तोड़ते हुए। यू नो सर, श्रीमान जी, आपको पता है हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, हाथी कैसे बर्ताव करता है व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट फॉर हिज ओन स्टोरी, ईश्वरन अपनी ही कहानी की उत्तेजना में ऐसे फंस जाता था, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श से खड़ा हो जाता था एंड जंप अबाउट, और उछल पड़ता था, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और पागल हाथी की नकल करते हुए वह अपने पैरों को फर्श पर पटकता था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन, हाथी हमारे कस्बे के बाहरी भाग में आ पहुँचा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स,
माचिस की तीलियों की तरह बाड़ों को गिराते हुए। ही वुड कंटिन्यू, वह कहना जारी रखता था। इट केम इन टू द मेन रोड, वह मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और उसने फलों मिट्टी के बर्तनों और कपड़े की दुकानों को भी तोड़ डाला। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, डर के मारे लोग इधर उधर घबरा कर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, अब तो हाथी एक स्कूल के प्रांगण में भी घुस गया। वे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, हाथी ने ईंटों की दीवार को भी तोड़ दिया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे कक्षाओं में भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजों को कसकर बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड, हाथी चिंगाड़ा। एंड वंडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का गोल पोस्ट भी उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का नेट भी फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के ड्रम पर लाते मारी और उसे पिचकाकर चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को भी उखाड़ दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच सभी अध्यापक स्कूल की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से उस हाथी के उस विनाशकारी हमले को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, नीचे मैदान में एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियाँ खाली हो गई थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, जैसे कि कस्बे के सारे निवासी गायब हो गए थे। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम, मैं उस समय जूनियर की कक्षाओं में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्राम द रूफ टॉप, और छत से सारा नाटक देख रहा था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वाट केम ओवर मी सडनली, कि अचानक मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्राम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक बैग छीना। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और जीने से नीचे दौड़ा। एंड इन टू द ओपन, और खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंगाड़ा। एंड मीनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और मुझे डराते हुए उसने एक पेड़ की शाखा को हिलाया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिस शाखा को उसने अपने सूंड में पकड़ रखा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपना पैर जमीन पर पटका। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सारी धूल और मिट्टी को लात मारकर उड़ाया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वह डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर दौड़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, आस पास के घरों की छतों से लोग सम्मोहित होकर सारा दृश्य देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने लाल आंखें करके मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी ओर झपटने को तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाई। एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, एंड और उसी पल मैं आगे बढ़ा। और मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, वैग्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और उसके पैर के तीसरे नाखून पर बेंत से जोर से प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर मोमेंट, एक पल के लिए तो हाथी स्तब्ध रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर सिर से पैर तक वह कांपा। एंड कोलैप्स्ड, और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस जगह से ईश्वरन ने कहानी को अधूरा छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाते हुए उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, गैस जलाने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और भोजन को भी गर्म कर दूंगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ड अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महेंद्र जो मंत्र मुग्ध होकर कहानी सुन रहा था बीच में लटका रह जाता था। वेन ही रिटर्न, जब वह लौटता था, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो वह यानी ईश्वरन वहाँ से कहानी को कभी नहीं शुरू करता था जहाँ से वो कहानी को छोड़ता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था। दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि उपसंहार या कहानी का निष्कर्ष अभी बाकी है। वेल ए वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल,
अच्छा, एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया था उस हाथी को होश मिलाने के लिए। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली। ईश्वरन आकस्मिक रूप से कंधे को हिलाता था। टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स माउथ टू द जंगल। 2 दिन बाद उसका महावत उस हाथी को वापस जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। अच्छा ईश्वर, तुमने सब कैसे कर लिया था। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तुमने उस जानवर को कैसे गिरा दिया था। इट हैज समथिंग टू डू विद ए जैपनीज आर्ट। ये जापानी आर्ट से संबंधित है। आई थिंक सर कराटे और जू जिसु इट इज कॉल्ड। श्रीमान जी, मुझे लगता है कि इस कला को कराटे या जू जिसु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसे कहीं पर पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। आपको पता है अस्थाई तौर पर उसके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ा था। नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जिस दिन ईश्वरन साहसिक कार्य, आतंक और असमंजस की कहानी सुनाता ना हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। कहानी चाहे विश्वसनीय हो या ना हो। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्र इसे सुनना पसंद करता था। बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्योंकि वह कहानी ऐसे ढंग से ही सुनाता था कि कहानी अकल्पनीय लगती थी। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। ऐसा लगता था कि ईश्वरन महेंद्र के कमरे में टीवी की कमी को पूरा कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड। एक दिन सवेरे जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। श्रीमान जी, क्या आज शाम को मैं खाने में कुछ विशेष बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आज का दिन भी शुभ है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स टूडे सर। परंपरा के अनुसार हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्र इन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलिनरी स्किल्स। और उसकी पाक कला यानी खाना बनाने की कला के लिए ईश्वरन को बधाई दी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड। वह बहुत प्रसन्न प्रतीत हुआ। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अचानक ही अप्रत्याशित रूप से लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, उसने भूतों की भड़कीली कहानी सुनानी शुरू कर दी। यू नो सर, श्रीमान जी, आपको पता है द इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए ब्यूरल ग्राउंड। ये पूरा फैक्ट्री का इलाका जिस पर हम कब्जा किए हुए हैं या जहाँ पर हम रह रहे हैं, किसी समय कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने कहानी शुरू की। महेंद्र वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी। एक दिवा स्वप्न के झटका खाते हुए महेंद्र जागा। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। भरपेट भोजन करने के बाद वह कुछ ऊँगने लगा था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था। व्हेन आई सा ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। जब मैंने रास्ते में इंसानी खोपड़ी को पड़े हुआ देखा था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस इज नंबर ऑफ स्कल्स एंड बॉन्स। और अभी भी बहुत सी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मुझे मिलती रहती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड। ईश्वरन ने कहानी जारी रखी। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट। वह वर्णन करता गया कि कैसे एक रात को उसने भूत देखे थे। आई एम नॉट ईजली फ्राइटन्ड बाई दीज थिंग्स सर। श्रीमान जी, वैसे तो मैं इन भूतों से आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वूमेन, लेकिन एक औरत का डरावना भूत विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो पूर्णमासी की रात को जब कभी प्रकट होता रहता है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, बड़ा क्रूर प्राणी है, विद मैटेड हेयर, जिसके बालों में लटे हैं, एंड ए श्रिवल्ड फेस और झुर्रियों वाला चेहरा है। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फोर्टस इन इट्स आर्म्स, जैसे कि एक भ्रूण के कंकाल को अपने हाथों में पकड़े हुए हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। वर्णन से महेंद्र को तो कपकपी आ गई। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और तेजी से उसकी बात को रोकते हुए बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन। ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्प्रिट, भूत प्रिय आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारे मन का वहम है।
गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने पाचन तंत्र की जांच कराओ एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो अपने दिमाग की भी जांच करा लेना। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, वह कमरे से चला गया एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात को सोने लगा लगे। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, ये आशा करते हुए कि ईश्वरन दो दिन तक चुप रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक वॉज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन अगले दिन उसने पाया कि उसका रसोईया पहले की तरह खुश और बातूनी है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, और उस दिन से महेंद्र अपनी बहादुरी की बातों के बजाय वेंट टू बेड विद ए सर्टन अनईज, कुछ बेचैनी के साथ सोने जाने लगा। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बिस्तर के आगे जो खिड़की थी वह हर रात उसके बाहर अंधेरे में गौर से देखता रहता था। ट्राइंग टू मेक श्योर, वह शायद निश्चित होने की कोशिश करता था दैट देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि उस इलाके में काली आकृतियों की कोई हलचल तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसे केवल अंधकार का महासागर ही नजर आता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, मीलों दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, वह हमेशा ही पूर्णमासी की रात में दूधिया भूदृश्य की प्रशंसा करना चाहता रहता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन ईश्वरन से उस महिला की भूत की कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर, उसने खिड़की के बाहर झांकना बंद कर दिया था। व्हेन द मून वाज फुल, जब भी पूर्णमासी होती थी। वन नाइट, एक रात को महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, महेंद्र की आंख खुल गई बाई लो मून क्लोज टू हिज विंडो, जब उसने खिड़की के बाहर पास में हल्के हल्के रोने की आवाज सुनी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट ट्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, पहले तो उसे लगा कि कोई बिल्ली किसी चूहे पर घात लगाए बैठी होगी। बट द साउंड वॉज टू ग्यूटरल फॉर ए कैट, लेकिन वो आवाज किसी बिल्ली के बजाय गले से निकल रही थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने बाहर देखने की जिज्ञासा को रोका, लेस्ट ही शुड बीहोल्ड साइट, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे वो दृश्य दिख ना जाए। विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसके दिल की धड़कनों को रोक ना दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन रोने की आवाज और भी बढ़ती गई और कम से कम लगने लगा कि ये किसी बिल्ली की आवाज होगी। फेलाइन का मतलब समथिंग दैट लाइक कैट। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वह प्रलोभन को और अधिक समय तक नहीं रोक सका। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, खिड़की की दहलीज पर झुक करके ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मून लाइट्स आउटसाइड, उसने बाहर सफ़ेद रात की चांदनी देखी। देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं, वॉज डार्क क्लाउडी फार्म क्लचिंग ए बंडल, काले बादल की एक आकृति दिखाई दी जो गट्टर पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इन टू ए कोल्ड स्वेट, महेंद्र को पसीना छूट गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग, और हाँपते हुए वह अपने तकिया पर गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, जब वह धीरे धीरे भूतिया अनुभव से बाहर निकला, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वह अपने मन में तर्क करने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि यह किसी प्रकार की मन की ही कल्पना रही होगी। सम ट्रिक, कोई चाल हो सकती है, दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो चाल उसके अर्धचेतन मस्तिष्क ने उसके साथ खेली होगी। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब वह अगले दिन सवेरे जागा, हैड ए बाथ, उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आया नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, पिछली रात का भय उसकी यादगार से फीका पड़ने लगा था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन ने महेंद्र को दरवाजे पर लंच पैकेट और उसका बैग दिया और उसे नमस्कार किया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड एंड सैड, जब महेंद्र बाहर निकलने वाला था तो ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, सर रिमेंबर द अदर डे, श्रीमान जी वो दिन याद कीजिए, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट, जब मैं आपको उस औरत के भूत के बारे में बता रहा था, मेरे फोर्टेस इन इट्स आर्म, जिसके हाथों में भ्रूड था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स,
ऐसी चीजों की कल्पना करने के लिए आप मुझसे नाराज हो गए थे। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा कल रात तो आपने भी तो देख ही लिया ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, आपके कमरे से रोने की आवाज़ सुनकर मैं दौड़कर आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो रोने की आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन मैंस स्पाइन, मैन की रीढ़ की हड्डी में ठंडी कपकपी दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट दिस सेंटेंस, उसने ईश्वरन के वाक्य समाप्त होने का इंतजार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह तेजी से अपने ऑफिस की ओर पहुंचा। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपना इस्तीफा दे दिया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, उसने निश्चय कर लिया कि अगले दिन वह उस डरावने स्थान को छोड़ देगा। तो ये था लेसन। कहानी के शुरुआत में आपको बताया गया है कि ईश्वरन महेंद्र के साथ कहीं पर भी चला जाता था बिना किसी शिकायत के, और यहाँ पर उसने महेंद्र को इतनी फिक्सेस कहानी सुनाई कि महेंद्र को ये डर लगा कि इस जगह पर नहीं रहना चाहिए, और आखिर में उसने वहाँ से जाने का निश्चय किया। शायद हो सकता है ये ईश्वरन की ही चाल रही हो जिसकी वजह से महेंद्र इतना डर गया था। खैर, कहानी में सस्पेंस है, थ्रिलिंग है, और कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app टू नेवर मिस एन अपडेट।